आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। प्लानिंग में सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो क्या क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, प्लानिंग का प्रोसेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्योर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। एंड लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी, प्रोसीड्योर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम एज टाइप्स ऑफ प्लान। तो जैसे कि प्लानिंग मतलब ही बता रहा है कि किसी चीज़ की प्लानिंग करना। तो अब जैसे यहाँ तो पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, यानी कि बिजनेस भी करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लानिंग। बिजनेस ही नहीं, कोई भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने पास प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। विदाउट प्लानिंग हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं, फेलियर होना तय है। ये प्लानिंग से ही पता चलता है कि हमको करना क्या है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को एडवांस में, यानी कि पहले से जानना, यानी कि पहले से प्रिपेयर होकर रहना फ्यूचर के लिए। प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। वैसे तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो 5 है, जैसे क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन और बेसिक फंक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि सारा फंक्शंस का ये बेस है, यानी कि पिलर है, जिसको बोल सकते हैं, यानी कि न्यू है। अब जैसे कि एक जो लाइन है मैं कहना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर बुक में मिलेगा, आइदर वो एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक हो। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, करना क्या है और कैसे करना है। ये प्लानिंग क्या है कि एक गैप जो बनाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के पोजीशन के बीच में, क्योंकि हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि आज प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, फ्यूचर को लेके। ये काम है प्लानिंग का। अब जैसे कि कोई ना कोई हम टारगेट्स सेट किए होंगे, कुछ ना कुछ मेरा ऑब्जेक्टिव्स होगा जिसको हमको अचीव करना है, इसी के लिए तो प्लानिंग कर रहे हैं ना। प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टारगेट होगा, कुछ हम सेट किए होंगे, कुछ मेरा ऑब्जेक्टिव्स होगा, कुछ मेरा गोल्स होगा जिसको हमको अचीव करना है, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। और प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो ही हम टारगेट को अपना अचीव कर सकते हैं, गोल को। या अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम बीच में प्लानिंग करके या चेंज करके उसको जान सकते हैं कि किस कारण से या कहाँ लैगिंग हो रहा है, कहाँ कमी हो रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करके हम फिर से प्रोसीड कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, और प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग का जो पहला जो फीचर्स है वो क्या है, प्लानिंग पूरा पूरी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि प्लानिंग का सबसे पहला टारगेट क्या है, बात टारगेट और गोल जो सेट किया गया जिसको अचीव करना है। सेकेंड, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शन का मतलब ही हो गया प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जो पहला फंक्शन है। और पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, वो प्लानिंग है। सेकेंड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। थर्ड क्या है, स्टाफिंग है। फोर्थ क्या है, डायरेक्टिंग है। फिफ्थ क्या है, कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज परवेसिव, जिस तरह मैनेजमेंट था परवेसिव, उसी तरह प्लानिंग क्या है परवेसिव। क्यों, कि प्लानिंग हर कहीं, हर जगह, हर कोई, छोटा से छोटा लोग हो, छोटा बड़ा से बड़ा लोग हो, छोटी से छोटी जगह हो, बड़ा से बड़ा जगह हो, प्लानिंग घर से लेकर शुरू से होता है जो बाहर तक, कहीं भी, ईच एंड एवरी वेयर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट सबको है, कहीं ना कहीं सबको है, चाहे वो कम किसी छोटा जगह से हो, चाहे वो बड़ा जगह से हो। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कुछ एक बार का चीज़ नहीं है, वो कंटिन्यूस है, वो लगातार चलते रहता है। प्लानिंग तब तक चलते रहता है जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए। और मैं बोल चुका हूँ कि प्लानिंग आज
जो किया गया प्लानिंग वो किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग का जो पांचवा जो फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हम प्लानिंग के हेल्प से ही डिसीजन भी ले पाते हैं, जैसे करना कौन सा सही रहेगा, कौन सा काम सही नहीं रहेगा, क्या करना है। जैसे कि आपका प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे है, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलता है, एक और अल्टरनेट तरीका मिलता है प्लानिंग में इधर कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक ही शॉपकीपर है मोहल्ले में सामान बेचने के लिए, तो वहाँ हमको ऑप्शन नहीं है, च्वाइस नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास जिस एरिया में लोकेलिटी में 10 लोग हैं तो क्या है, च्वाइस है। तो प्लानिंग में क्या तो च्वाइस होता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग के लिए दिमाग इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं यानी कि दिमाग का नस पूरा टाइट, यानी कि पूरा दिमाग का भी एक्सरसाइज और कसरत होता है प्लानिंग के लिए। प्लानिंग करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि जो सोचे मन में आया वही कर दिए। इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमको दिशा दिखाता है। जैसे देखोगे आप महाभारत में रामायण में क्या था, लोग क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हमको कब वार करना है कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे आक्रमण करना है, क्या एक प्लानिंग है। उसी तरह बिजनेस में भी हम प्लानिंग करके एक डायरेक्शन पाते हैं कि ऐसे करेंगे तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो टारगेट अचीव, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना नहीं, कुछ ना कुछ हमको डायरेक्शन मिलता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर प्लानिंग पहले से किए रहेंगे तो कुछ अगर ऐसा चीज़ जो अनसर्टेन जो हमको पता नहीं है, हम प्लानिंग के हेल्प से उसको बचा सकते हैं, खुद को भी सेव कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग के थ्रू बहुत सारा वेस्टफुल बेकार की चीज़ें वो रुक जाती है। जैसे सपोज कीजिए हम पढ़ने के लिए रूटीन बनाएं, तो आज हम 1-8 घंटा पढ़ें, लेकिन किसी कारणवश हम आज बिजी हो किसी काम में, तो मेरा प्लानिंग था, रूटीन था पहले से बना हुआ, तो हम जाने नहीं, इस काम से हमको नुकसान हो गया। तो वेस्टफुल एक्टिविटीज से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के थ्रू हमको नया नया आइडियाज़ मिलता है, क्योंकि प्लानिंग है तभी तो जा सकती है कि ये मेरा प्लानिंग अगर फेल हुआ, सेकेंड प्लानिंग ये प्लानिंग से फेल हुआ, तो थर्ड प्लानिंग क्या, एक नया टेक्निक मिल रहा है, आइडियाज़ मिल रहा है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जैसे हम लोग पढ़ के आए अभी जस्ट कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग जो था अपना फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी तरह ये एक इम्पॉर्टेंस भी है और एक सिग्निफिकेंस भी है। प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग, यानी कि गलत चीज़ों से या जिससे टाइम इफेक्ट हो, जिससे नुकसान हो, जिससे टारगेट अचीव ना कर पाए, जिससे हार्मफुल हो, उससे भी कंट्रोल करता है प्लानिंग। जिसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। हम जो प्लान किए थे और जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मेरा प्लानिंग सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है, अबव द प्लानिंग है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर अंडर द प्लानिंग है, इट मीन्स कहीं ना कहीं लैकिंग है, लगुना है, जिसको हमको दूर करना है। ये अब जो आता है प्लानिंग का, लिमिटेशंस डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक बिजनेस स्टडी जैसा टॉपिक है कि जिस सब्जेक्ट है जिससे हम लोग एक चीज़ जान सकते हैं अपने लाइफ में भी, कि जिस चीज़ में मेरिट्स है वहाँ डिमेरिट्स भी है, जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज है, इंसान से लेकर या किसी टॉपिक को लेकर या कहीं भी, उसके दो पहलू हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड लिमिटेड फ्लैक्सीबिलिटी। प्लानिंग रिजिड है, फ्लैक्सीबल नहीं है, चेंज करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, जैसे हम बोले कि डिस्काउंट देंगे 10%, अब अचानक क्या किया, कंपटीटर प्राइसें घटा दिया और रिवाज लिमिटेड क्या है, अब कस्टमर जब प्राइस घटा दिया दूसरा कंपनी, इससे क्या हुआ कि एक कोई कंपनी थी वो ये डिस्काउंट दे दी, बोली 10% डिस्काउंट देंगे, तब तक दूसरा कंपनी क्या किया, अपना प्राइस ही घटा दिया। अब जो दूसरे कंपनी के जो थे कस्टमर वो डिमांड करने लगे ज़्यादा डिस्काउंट, क्योंकि दूसरा कंपनी क्या किया, अपना प्राइस घटा दिया,
तो इस तरह क्या होगा, अचानक फिर हम अपना प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग से परिस्थिति को चेंज के अनुसार या इन्वायरमेंट को चेंजिंग के अनुसार तुरंत चेंज करना आसान नहीं है, काम नहीं कर सकता प्लानिंग। जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो उस केस में हम लोग तुरंत इजीली चेंज नहीं कर सकते प्लानिंग को। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब कैसे है, प्लानिंग में क्रिएटिविटी कैसे होता है, कोई काम दिया गया तो अब इंसान उसी काम में इन्वॉल्व है एक ही तरीके से, उसको कुछ नया तरीका ही मालूम नहीं चल रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि एक ही काम पे कॉन्स्टेंटली करना, एक ही तरीके से करना, कुछ क्रिएटिविटी ना आना, तो प्लानिंग से क्या होता है कि क्रिएटिविटी रिड्यूस होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत सारे आपका टाइम स्पेंड होता है, मनी भी इन्वेस्ट होता है, एफर्ट भी बहुत लोगों का लगता है, बहुत सारे कुछ चीज़ों की प्लानिंग करने के लिए ये नहीं प्लानिंग आसानी से बन जाती है। जैसे आपको, आप सपोज कीजिए कि अपना ही कोई पढ़ना है, रूटीन बना रहे हैं तो पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो कभी वो प्लानिंग फेल कर गया तो ऐसे करते करते क्या, टाइम तो गया ही, पेपर और पेज का कॉस्ट भी गया, तो ये रहा प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है टाइम भी स्पेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं प्लानिंग करते हैं सिर्फ सोचते रहते हैं क्या करना है कैसे करना है, सोच तो रहे हैं लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं हो पा रहा है, टाइम भी गया और काम भी नहीं हुआ। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग का कंसेप्ट ये नहीं है कि सक्सेस हमको अचीव हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई टारगेट सेट कर लिया तो हम उसे सक्सेस पा ही लिए, लेकिन प्लानिंग बहुत लोग कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए, सेम गोल के लिए, लेकिन सबको तो सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए लिमिटेशन, जिसको बहुत ध्यान से वो करना है।